भारतवर्ष में गणपति महोत्सव मनाई जाएगी। और ये देखो गणपति महोत्सव को लेकर तैयारियां यहाँ पे चल रही है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो है इस तरीके से टेंट बनाई जा रही है और सामने में आपको स्टेज दिखेगा। जी मैं गया के आज़ाद पार्क में हूँ और बताइए आप सभी को कि कल से हमारे पूरे भारतवर्ष में गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी का आयोजन है। तो मैं आज़ाद पार्क आ गया था, एक्चुअली आया था किसी काम से, बट यहाँ पे देखा कि गणपति बप्पा जो है अपना स्थान विराजमान कर रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आप सभी को शेयर कर दिया जाए इस मूवमेंट को। तो दोस्तों मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन, जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं गणपति बप्पा का पूरा आयोजन यहाँ पे साझा करता हूँ। बने रहो आप लोग और पूरा वीडियो का एंजॉय करो। वैसे मैं और सारा अपडेट देता रहूँगा गणपति महोत्सव से रिलेटेड, लेकिन आज के इस वीडियो में आप देखोगे कैसे हमारे गणपति बप्पा गया के आज़ाद पार्क में विराजमान हुए हैं। तो ये देखो पीछे तैयारियाँ चल रही हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो आइए सब कुछ का अपडेट लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, तो हमारे गया के आज़ाद पार्क में गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं और आप देखोगे अभी वैन से यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और कल से पूरे भारतवर्ष में गणपति महोत्सव मनाई जाएगी। और ये देखो गणपति महोत्सव को लेकर तैयारियां यहाँ पे चल रही है। ये रहा उनका स्थल जहाँ पे वो विराजमान होंगे और यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चलता है, उसकी तैयारियां चल रही है। ये देखो भगवान अपने स्थान पे विराजमान होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और ये है उनका स्थल। यहाँ पे बप्पा विराजमान होने के लिए तैयार। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो है इस तरीके से टेंट बनाई जा रही है और सामने में आपको स्टेज दिखेगा। और यहाँ से अगर मैं इधर, तो भाई आप जान ही रहे हो ये मेन एंट्रेंस गेट हो गया आज़ाद पार्क का, और यहाँ से मैं अगर इधर दिखाऊँ आपको तो ये भगवान गणपति का मंदिर का निर्माण हुआ है, पंडाल का निर्माण हुआ है, जहाँ पे गणपति बप्पा जो है विराजमान हो गए हैं। अब कल से इनका पूजन पाठन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो चलिए आपको और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गणपति बप्पा अपने स्थान पे विराजमान हो गए हैं गया के आज़ाद पार्क में। ये आप सामने देख सकते हो बप्पा अपने स्थान पे विराजमान, और कल से यहाँ पे पूजा पाठन शुरू किया जाएगा। ये देखो उनका मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और आपको गणपति महोत्सव से जुड़े और भी सारे अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर। गणपति बप्पा मोरया।